एक
grande a ti, Jesús. Yeah.
साल में तो बात शायद वाजे हो जाए। देखो जिस खूबी को आपको हासिल करने में आपकी कोशिश और आपके कसब का कोई दखल हो तो उसको अख्तियारी खूबी करते हैं। जैसे इल्म जो है ये अख्तियारी खूबी, चाहे आप हासिल करें चाहे ना हासिल करें, गुना रखना ये अख्तियारी खूबी, चाहे आप हासिल करें चाहे ना हासिल करें, दोनों चीजों का आपका अख्तियार है। मगर खादो खाना ये आपके अख्तियार की चीज नहीं, शक्ल और सूरत ये आपके अख्तियार की चीज नहीं, नाको नक्शा ये आपके अख्तियार की नहीं। चेहरा काला है तो आप गोरा नहीं कर सकते, गोरा है तो काला नहीं कर सकते, लंबे में तो नाटे नहीं हो सकते, नाटे में तो लंबे नहीं हो सकते, ये आपके अख्तियार की खूबी नहीं। इसको और वाजे तौर पर समझाओ, चांद की चांदनी उसके अख्तियार की नहीं, सूरज की रोशनी उसके अख्तियार की नहीं, मोती की चमक उसके अख्तियार में नहीं, फूलों की महक उसके अख्तियार में नहीं, ऐसे ही दरियाओं की रवानी उसके अख्तियार में नहीं। सूरज को चमकना ही पड़ेगा चाहे वो चाहे या ना चाहे, चांद को चांदनी देनी ही पड़ेगी चाहे उसकी बारिश हो चाहे ना हो, मोती को चमकना ही पड़ेगा, फूल को महकना ही पड़ेगा, दरिया में रवानी लाजमी है। ऐसे ही आबशार के नगमे करेंगे, ना हम मेराज का जलसा करेंगे, ना रसूल की याद मनाएंगे।
करेंगे ना रसूल का जिक्र करेंगे तो फिर ये मोहम्मद कैसे? मगर दोस्तों जब जहन में ये सवाल पैदा हुआ तो एक लागूती आवाज कानों से टकराई, अरे नादान ये तेरे मोहम्मद नहीं ये मेरे मोहम्मद है। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलैन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलैन नबी, अल्लाह उसके मलाइका मुसलसल तारीफ करते हैं नबी की। सलात के माना तारीफ करने के लिए आते हैं, मुसलसल तारीफ करते हैं और मुसलसल दुरूद भेजते हैं नबी के ऊपर। तू मेरे बनाने से मोहम्मद हुई है तेरी तारीफ से नहीं, तेरी तारीफ से तू जब तारीफ करेगा इससे वो मोहम्मद नहीं होंगे, बल्कि तू तारीफ करके खुद तू काबिले तारीफ हो जाएगा। तू अगर तारीफ करेगा तो तेरी जुबान काबिले तारीफ होगी, तेरा बयान काबिले तारीफ होगा। तो अपने को काबिले तारीफ बनाना हो तो उनकी तारीफ करो, अपने को काबिले तारीफ बनाना हो तो उनकी तारीफ करो। अगर तुमने उनकी तारीफ नहीं की तो सारी दुनिया तुम्हें अच्छे अंदाज से याद ना करेगी, कभी भी अच्छे अंदाज से नहीं। तुमने नहीं देखा तारीफ करने वाले भी तो तुझसे रसूल के जिन्होंने तारीफ की, हबश से आके तारीफ किया, कोई रूम से आके तारीफ कर रहा है, कोई फारस से आके तारीफ कर रहा है, कोई अजम की न जाने किन मंजिलों से आके तारीफ कर रहा। तो वो ऐसा काबिले तारीफ हुआ कि हबश का बिलाल हमारा सरदार हो गया, रूम का सुहेल हमारा सरदार हो गया, सलमान का फारस हमारा ताजदार हो गया। तारीफ करके काबिले तारीफ बनते गए और घर वाले ने तारीफ से इनकार कर दिया था। अबू लहब ने तारीफ से इनकार किया, उतबा और शैबा ने तारीफ से इनकार किया, अकबा इब्ने अबी मुईद ने तारीफ से इनकार कर दिया। और फिर एक ऐसी लानत हुई, अबुल हकम नाम का एक इंसान अम्र इब्ने हिशाम जिसकी कुनियत अबुल हकम, उसने जब नबी की बुराई की दुनिया ने उसे अबुल हकम मानना छोड़ दिया, अबू जहल कहना शुरू कर दिया कि ये हिम्मतों का बाप नहीं, ये तो जिहालत का बाप है। और बाप ने उसे कह रहा छिंगी का मुकाबला बारिश होती। एक बात बताओ तो मालूम हुआ कि रसूल खुदा ने तारीफ फरमाई, खुदा ने तारीफ। एक बात बताऊ खुदा की तारीफ और फिर खुदा की तारीफ रसूल ने की, और सच्ची बात यह कि तारीफ वही करेगा जिसको माफिक मोहम्मद। हमारी तारीफ तो गहरा नाकिस होगी, हमने पहचाने ही बगैर पहचाने जब हम तारीफ करेंगे तो क्या करेंगे। तो सही तारीफ तो उसी की है जो पहचानता। तो खैर खालिक अपने बंदे को खूब पहचानता, उसने बनाया, उसने सलाहियतें दी, उसने खूबियां दी, तो उसकी तारीफ से बढ़ के तो किसी की तारीफ हो ही नहीं सकती। और उस खालिक की मार्फत रसूल आलमी को जो है वो दुनिया के किसी भी इंसान किसी भी मखलूक को नहीं है। तो जब किसी मखलूक को नहीं तो रसूल अरबी जो तारीफ अल्लाह की करे वो बाकी नहीं मुकम्मल तारीफ है। इनकी तारीफ मुकम्मल तो ये मार्फत रखने वाले, तो जो ज्यादा मार्फत रखने वाला वही तारीफ करने वाला। अब देखो पहले रसूल ने तारीफ किया खुदा ने, सबसे पहले रसूल अरबी की तारीफ खुदा ने की या खुदा की तारीफ रसूल ने की? आप सोचेंगे और बड़ा आसान जवाब, एक ऐसा वक्त था कि खुदा की सेवा कुछ न था, कोई है नहीं जो तारीफ करे। अब रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब मुहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमा नूर मुहम्मदी पैदा हो गया। नूर मुहम्मदी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, जन्म वहदत में फना हो गया। जब मिला मुहम्मद रसूलुल्लाह फिर नूर मुहम्मदी पैदा हो गया। नूर मुहम्मदी ने अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्म वहदत में फना हो गया। ये सिलसिला जब तक रब्बान को तआला ने कहा जारी रहा, इसलिए कि वहां कोई मुद्दत जमाना था ही नहीं कि मैं बताऊं कितनी मुद्दत तक जारी रहा। इसलिए कि जमाना और मुद्दत बनती है गर्दिश अखलाक से, और जो अखलाक का वजूद ही ना हो, गर्दिश ही ना हो तो वक्त क्या हो, जमाना क्या होगा। समझ लो कि जब तक खुदा ने चाहा कि सिलसिला जारी रहा फिर नूर कायम हो गया। ये तो एक वाकया था जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, मगर मैं पूछता हूँ कि पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने था? पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने था? तो सबसे पहली तारीफ तो खुदा ने शुरू की, सबसे पहली तारीफ तो खुदा ने शुरू की है। इसीलिए मैं अक्सर काम करता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर तुम कहते हो तो बात कुछ और है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो बात कुछ और है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने
کبریاد ہوگی، محمد رسول اللہ کہوگے تو سنت کبریاد ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کہوگے تو سنت مصطفیٰ ہوگی۔ تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے تعریف کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ، اور پھر میرے حبیب نے تعریف کی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے، صحیح بات تو یہی ہے۔ ہم تو صرف اپنے باتوں کو قابل تعریف بنانے کے لیے ان کی تعریف کر دیتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتوں کو یاد کرتے ہیں، مگر اب سنو، وہ محمد ہماری تعریف نہیں ہوئے ہیں، وہ محمد ہوئے ہیں خدا کی تعریف۔ تو محمد جس کی بے شمار تعریف کی جائے تو کوئی ہوگا نہ بے شمار تعریف کرنے والا۔ جب یہ محمد ہے تو محمد کون ہے؟ جب یہ محمد ہے تو محمد کون ہے؟ محمد کہتے ہیں بے شمار تعریف کرنے والا، اور محمد کہتے ہیں جس کی بے شمار تعریف کی جائے۔ تو جب یہ محمد ہے تو محمد کون ہے؟ جب یہ وہ ہے جن کی بے شمار تعریف کی گئی، تو خدا محمد ہے جو بے شمار تعریف کرنے والا ہے۔ خدا محمد ہے جو بے شمار تعریف کرنے والا ہے۔ اچھا سنو، اور جب یہ محمد ہے تو محمد کون ہے؟ جب یہ محمد ہے، میں لفظوں کی بات کر رہا ہوں، میں لفظوں کی بات کر رہا ہوں۔ محمد کے معنی بے شمار تعریف کرنے والا، اور محمد کے معنی جس کی بے شمار تعریف کی جائے۔ تو سنو، جب یہ محمد ہے تو خدا محمد ہے، اور جب یہ محمد ہے تو خدا محمد ہے۔ وہ نرم ہوتے ہی چلا جا رہا ہے۔
ही जगह चाहिए थी, तो ऐसी बात नहीं है कि वो इतने बड़े पहाड़ में उन्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। मगर अगर नबी इस तरह से छुप जाते, हालांकि एक बशरी तकाजा था, नबी ने कभी भी दुश्मनों का मुकाबला अपनी उस ताकत और तवानाई से नहीं किया जिस ताकत और तवानाई का कोई जवाब ही आलम के अंदर ना हो। हमेशा दुश्मनों को भी मौका दिया है और सब्र और तवक्कुल की मंजिल से गुजरने का भी दर्श दिया है। ऐसा भी हमने वक्त देखा है कि तारीख उम्मत के लिए नबी ने अपने दंदाने मुबारक का शहीद होना भी कबूल कर लिया। ऐसा भी देखा गया है कि तारीख उम्मत के लिए नबी कांटों से भी गुजर गए और मुस्कुराते हुए गुजर गए। वरना सोचो, अगर नबी करीम के दंदाने मुबारक का शहीद होने का मंजर हमें याद ना होता तो गर्दन कटाने का जज्बा कहां से पैदा होता। तो नबी ने तारीख नर्म होने के बावजूद सख्त और सख्त होने के बावजूद
नॉर्मल सरा साहब क्या करें, ये अख्तियारात की बात देखो। हम तो कहते हैं हजरत अबू हुरैरा की एक रवायत कुछ तालियों से बहुत वाजे कहते कि हुजूर जब नंगे पैर यानी पैर में नालायन शरीफ नहीं होती थी और बगैर नालायन शरीफ के पत्थर पे चलते थे तो पत्थर पर कदमों का निशान पड़ जाता था गासत कदमा। और हजरत इमाम आजम ने भी इस रवायत की यूं तस्दीक फरमाई है तो कहते हैं कि असुरुल लबशी कफी सुरा वसहु कद गासत बिही कदमा का, यानी जब नबी का नजीब आलम जब नबी नर्म जमीन पर चलते थे तो कोई निशान नहीं होता। ये अजीब थी नर्म जमीन पर चले ऐसा चले जैसे हालात होता था कोई निशान नहीं। ये लताफा ये लताफा ये हल्कापन कि नर्म जमीन पर चले तो निशाने कदम ना पड़े और बारे नबूवत की ये गरामी कि पत्थर पे पैर रखे तो निशान पड़ जाए। मालूम पत्थर पे निशान पड़ता नर्म जमीन पे निशान वहां पे सोचने लगता हूं कि बात भी समझ नहीं आती। नर्म जमीन पर सभी के निशान पड़ते हैं। अगर नबी का भी निशान पड़ जाए तो क्या लोग समझेंगे कि किसका निशान है। कभी ऐसा ना हो कि नबी के निशान पे कोई अपना कदम न रखते तो वहां से निशान मिटा दिया जहां सबके निशान पड़ते हो और पत्थर पर किसी का निशान नहीं पड़ा वहां निशान डाल दिया ताकि कयामत तक कोई कदम ही न रख सके। दोस्तों ऐसे ही जब अख्तियारात की बात आती है तो फिर हजरत सुलेमान की याद कैसे नहीं आएगी। हजरत सुलेमान अजीब व गरीब मुमलका अजीब व गरीब सल्तनत के बादशाह अजीब व गरीब सल्तनत के सुल्तान तुझी दुआ की थी रब के उत्तर नहीं ली बहुत भी भूल कर ले जब कभी ले अहदी बात ये अल्लाह मेरी मफरत फरमा और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे बाद किसी को सदाबहार ही नहीं ऐसा मुल्क मुझे मिले जो मेरे बाद किसी को ना मिले। ये हजरत सुलेमान की दुआ हुई सोचने लगा कि मेरे बाद कदम इस्तेमाल फरमा मेरे बाद किसी को ना मिले और मैं बाद अपने आने वाले एक मुकद्दस इंसान को देखता जिनकी सल्तनत और हुकूमत उससे कहीं ज्यादा बढ़ी और वो वादी में आए और उनकी सल्तनत और हुकूमत का दायरा बात के रस से तो इस तरह होता कि जो सल्तनत जो इब्तदा हजरत सुलेमान को दिया गया बाद में किसी को नहीं मिला मिलने ही नहीं चाहिए इसलिए दुआ ही नबी ने ऐसी की थी। कुरान नबी क्यों मिला नबी वो है कि मुस्तजाब दावा नबी वो है जिसकी दुआएं कबूल की जाती हूँ रब तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल की जब उन्होंने कहा मुझे ऐसा मुल्क अता फरमाया जाए कि उसके बाद किसी को नहीं मेरे बाद। दोस्तों वैसे तो जवाब उलमा अपने अपने अंदाज कर देंगे और हो सकता है कि एक बात की वजाहत हो कुछ और भी मसले की वजाहत हो जाए मगर मैं तो ये कहता हूं कि लफ्ज बाद के उस पर गौर करो कि मेरे बाद वाले को ये ना मिले मगर कोई उनसे पहले हो तो ये तो बाद वाले की बात कर रहे हैं ना बाद वाले की बात कर रहे हैं और कोई उनसे सबसे पहली मखलूक मेरा नूर तो जो पहले है वो बाद में पैदा नहीं होगा बाद में आएगा तो बाद में पैदा होने वाले और हैं और बाद में आने वाले और हैं। ये तो कहते हैं कि मेरे बाद पैदा होने वाले को कोई ऐसा मुल्क न मिले इसलिए जितना तो वो भी जानते थे कि मेरे पहले एक ऐसा था जिसकी हुकूमत में मैं खुद हूँ जिसके नाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो हजरत आमीना से रवायत करते हैं कि सरकार की विलादत हुई थी तो आप उनको देखिए
देखते हैं कि एक सखी नगर है वो आकर के छा गया है, सरकार उसमें रुपोष हो गए। उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो सरकार के हाथ में रस्त सब प्रदेशों का एक टुकड़ा है जो हाथों में सरकार लिए हुई है और एक विदा करने वाला अजीब अंदाज से विदा करता है। आवाज देता है बफे बफे कम सा खंड सुन अरे दुनिया कुल्ले हो लंबी अलका हर उम्मी न लेगा इल्ला दखल फी अब्द ही, यानी खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया और अब कोई मखलूक ऐसी दुनिया की है ही नहीं है जो उनकी मुट्ठी में ना हो, जो उनकी मुट्ठी में ना हो कोई ऐसी मखलूक है ही नहीं। मैं सोचने लगा जरा सा देखो ये छोटी छोटी मुट्ठियां, ये छोटे छोटे हाथ, ये छोटी छोटी उंगलियां और इसकी कब्जे का ये आलम है कि पूरी मखलूक इसी में आ गई है, पूरे मखलूक के अख्तियार इसी में आ गए हैं, पूरी दुनिया इसी में आ गई है, सारे अख्तियार सिमटाना है। मैं भी सोचने लगा कि जब ये उंगलियां बड़ी हुई होंगी, जब ये हथेलियां फैली होंगी तो अख्तियार कितने फैलते चले गए होंगे, उंगलियों के फैलते फैलते अख्तियार के भी दायरे कितने बढ़ते चले गए होंगे। मैं ये कोई समझने की बात न समझाने की बात निकलते वक्त
हर सरकार उसके अंदर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देख लिया, अब आपको मुझसे कौन बताए? वहां तरीक तक पहुंच गए और कहा आपको मुझसे कौन बताएगा? तो सरकार ने कहा मेरा जब्बा रुका और होगा, क्या इतमान, क्या सुकून है। और इतना कहना था कि हजरत जिब्राइल आए, हजरत जिब्राइल आए कि मैं वो अभी अपने अख्तियार से दिखाने का वक्त है, जमीन आपकी ताबेदार है, आपकी फरमाबरदार है, हुक्म कीजिए। फिर उसके बाद सरकार ने कहा या तो खुदी फाखजा चला का फर से इला रोको, फाखजा अर्जुला जवा नहीं इला रोको। जब हुजूर ने फरमाया है जमीन से पकड़ ले, तो जमीन ने घुटने का पकड़ लिया। फाखजा अर्जुला सवार नहीं इला रोको। और उसके बाद मिन्नत तो समाजित करने लगे और कहा कि हुजूर तुमको जाने दीजिए, हमें अमान दे दीजिए, अब हम जा रहे हैं वापस और किसी को बताएंगे नहीं कि आप यहाँ ठहरे हैं। हम इसके वादा करते हैं कि किसी को बताएंगे नहीं कि आप यहाँ ठहरे हैं। जरा समझो, ये मत समझो कि ये सुराका कुछ एहसान कर रहे हैं, ये तो बचने की राह तलाश कर रहे हैं। नबी की खैर पाही करो तो बचोगे, जरा सुना बचने की कोई शर्म नहीं है, वो अपने बचने की सूरत निकाल रहे थे। वरना नबी कहते कि सुराका तुम क्या खबर लोगे, यही नतने में तो दबा के रखू, तुम वहां जब पहुंचोगे ही नहीं तो खबर झाड़ोगे, मुझे इसकी फिक्र नहीं। मगर वो रहमतुल्लिल आलमीन थे, शाने रहमतुल्लिल आलमीन थी, मिन्नत तो समाजित करने वाले को कभी उन्होंने मायूस नहीं किया, हाथ उठाने वाले को कभी उन्होंने झटका नहीं है, शायद को उन्होंने कभी महरूम नहीं किया है। और उसके बाद सरकार ने फिर कहा जमीन से या जमीन से छोड़ दे, जला घोड़े को छोड़ दिया और आप पलट गए और पलटते पलटते वो बसारत भी सुनते चले गए। ईश्वरा का वो क्या आलम तुम्हारा होगा जब तुम्हारे हाथ में तीसरा के किंगल, तो आप क्या सुना ये अपने अख्तियार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उनकी बातें फरमा रहे हैं। मुस्लिमों बुखारी दोनों की अल्फा करते वो वायर आते जानी जमीन के खजानों की कुंजियां लाके मेरे हाथों में रख दी गई, जमीन के खजानों की सारी कुंजियां। इस सिलसिले में किसी अहले इल्म की ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि सरकार ने कहीं मकालीद का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहीं मफातीह का लफ्ज, कहीं मकालीद दुनिया और कभी मफातीह खजाइन, जमीन के खजानों की कुंजियां, दो लफ्ज इस्तेमाल किए मफातीह और मकाली, मफातीह के माने भी कुंजी और मकाली के माने भी कुंजी, मफातीह के माने भी कुंजियां हैं और मकाली के भी माने कुंजी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो जरा एक तरतीब लगा लो, मफातीह और फिर लिखिए मकाली, लिख करके फिर देखो मफातीह में पहला हर्फ है नीम वो निकाल लो और आखिरी हर्फ है बे उसको भी नीचे करो, और मकालीद में पहला हर्फ है मीम आखिरी हर्फ है दाल उसको भी नीचे करके आप पढ़ो तो निकलता मोहम्मद। जरा सा देखिए अहले इल्म पर भी कैसे कैसे राज और असरार मुंकशिफ हो जाते हैं। मालूम हो कि दुनिया सारे खजानों की मकालीद और मकाती के अगर मालिक हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तो और आगे बढ़कर बताऊं हजरत अब्दुल अजीज तब्बा रहमतुल्लाह अलैह से क्या फरमाते हैं कि सैयदना जिब्राइल खुलेगा लखिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जिब्रील की तकलीम नबी की खिदमत के लिए हुई। और ये ना समझो कि ये आज का एक बयान बल्कि हजरत बदर में जाकर देखो कि हजरत जिब्राइल क्या काम कर रहे, हजरत जिब्राइल गज़वे बदर में नबी करीम की हुक्म की ताबेदारी फरमा रहे हैं, मौजूद है गज़वे बदर के अंदर,
दूसरे आदमी हजरत मिकाई जो 1000 मलाइका के साथ है, तीसरे आदमी हजरत इसराफील जो 1000 मलाइका के साथ हजरत जिब्रील सरकार के साथ खड़े हो गए। हजरत मिकाई मेहमाना बने, हजरत इसराफील मेहसाना बने, वो दाएं वो बाएं सब खड़े हो गए। मलाइका का ये नुजूल ऐसे लश्कर से तारीफ फरमाई जा रही है जिसे आप लोग नहीं देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। और उसके बाद हजरत अनस ने ये भी वजाहत कर दी कि मलाइका सिर्फ आए नहीं थे, उन्होंने हिस्सा भी लिया था, हिस्सा भी लिया था। और हम ये पता लगाने के लिए कि मलाइका ने किसको काटा किसको मारा, इसका एक अच्छा निशान बन जाता था कि जो मलाइका के हाथ से मौत को पहुंचता था, जो मलाइका की तलवार की छट चलती थी या मलाइका के जर्ब से जो मजरूह होता था उसके गले और उसके जोड़ों के ऊपर जलने का निशान होता था। इससे हम समझ लेते थे कि मलाइका हजरत वाकिफ ने ऐसे कहा कि कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग किसी को तलवार उठाते थे मारने के लिए, तलवार पहुंचती नहीं थी, गर्दन अलग हो जाती, हमारी तलवार उसके करीब भी नहीं पहुंचती थी और गर्दन अलग हो जाया करती थी। सोचो और समझो, तो वो कहते थे जब गर्दन अलग हो जाती तो हम 12 साल में अगले ही पत्ता कर, तो हम इससे समझ लेते थे किसी और ने कत्ल कर दिया, हम समझ लेते थे कि कोई और आया है और उसने कत्ल कर दिया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या शान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और खुद सरकार ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ने 4 वजीरों से मेरी मदद फरमाई, मेरी नुसरत फरमाई है, इस्लाम मिन अहलिस समा जिब्राइल और मीकाईल, तो इस्लाम मिन अहलिल अर्ज अबू बकर और उमर। 4 वजीर है, 2 वजीर का नाम है जिब्राइल और मीकाईल और 2 वजीर का नाम है अबू बकर और उमर। ये जमीन के वजीर, वो आसमान के वजीर। एक बात बताओ तुम और दो मुकाम पर वजीरों की जरूरत है, वो आसमान यानी आलम गैब, ये जमीन यानी आलम शहादत। तो आलम गैब के वजीर है जिब्राइल और मीकाईल और आलम शहादत के वजीर है अबू बकर उमर सिद्दीक फारूक। यहां इशारा बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अगर ये सिर्फ आलम शहादत के सुल्तान होते तो ये नीचे वजीर की जरूरत होती, वहां वजीर की जरूरत न होती। मगर ये आलम गैब के भी बादशाह और ये आलम शहादत के भी बादशाह, तो वहां की वजारत जिब्राइल और मीकाईल संभाले हुए हैं और यहाँ की वजारत सिद्दीक फारूक संभाले हुए। ये आलम शहादत के वजीर हैं, वो आलम गैब के वजीर हैं, जबी तो अल्लाह के रसूल यहाँ रहकर के आलम गैब पर नजर जमाए हुए हैं, यहाँ रहकर के। तो आलम गैब मेराज की रात अगर वो आलम गैब की सैर कर रहे हैं या आलम गैब पर अपनी हुकूमत चला रहे, तो कोई बात नहीं, वजीर होता किसका? एक बात बताओ, वजीर किस काम के लिए होता? वजीर क्या करता? वही तो करता है जो बादशाह हुक्म दे, बादशाह के कानून का निफाज ही तो करता है। तो जिब्राइल और मीकाईल जैसी मुकद्दस मासूम मखलूक वो आलम गैब की वजीर है। एक बात बताओ, वजीर जिसको आप वजीर कहते हैं वो किसी चौधरी का वजीर होता, किसी जिम्मेदार का वजीर होता, किसी ताल्लुकेदार का वजीर होगा? वजीर का लफ्जी ऐसा है किसी बादशाही का होगा, किसी सुल्तान ही का होगा। तो अल्लाह के रसूल आलम गैब के भी रसूल और आलम शहादत के भी रसूल, इसको अगर समझना हो तो उस वाक्य को आप गौर करो जिस वक्त एक शख्स ने ये कहा था कि हे अल्लाह के रसूल, हम सिर्फ आपकी नबूवत की मार्फत और पहचान के लिए कुछ निशानी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कहा कि मेरी बेटी जो है वो मर चुकी है, उसे जिंदा कर। एक बात देखिए, सवाल करने वाला भी है जो मर गया उसको जिंदा कर दे, तो सरकार ने मायूस नहीं किया, कहा चलो मुझे उसके कब्र के पास, कब्र के पास जब ले गए तो सरकार ने नाम देके बुलाया, वाक्य निकाले मकसूद है सिर्फ बता दो इशारा, नाम देके बुलाया, वो लगते ही बस आदय किया रसूल अल्लाह कैसे भी निकल आना था। तो पूछा कि क्या तुम यही रहना चाहते हो या वहां जाना चाहते हो? तो उसने अर्ज किया कि मैंने अपने रब को बहुत मेहरबान पाया, मैं वही जाना चाहती हूँ। एक बात याद रखना,
ये सवाल नहीं कर सकता जो यहाँ भी रोक सके वहां भी दे सके, वही तो करेगा ना। वरना अगर वो कह देते मुझे यही रहना, अरे ये तो मेरी विदेश की आ रही है तो पूछे ही पूछे ही, तो ये वही कह सकता है जो यहाँ भी रोक सके वहां भी दे सके। तो अब उसके बाद मगर एक बात में सोचने की बात, चिंता करने का तरीका एक हमने और भी जाना पहचाना। हजरत ईसा ने भी चिंता किया, मगर जो चिंता किया था तो इनके लिए जागता था। तो कौन देश मिलता, कौन देश मिलना अल्लाह के हुक्म से खड़े। हजरत ईसा ने किसी जिंदा होने वाले को ऐसे नहीं जिंदा किया कि उसका नाम खालिद तो है खालिद, ऐ शाकिर, ऐ कानी, ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्रहमान जैसे कोई बुला रहा हो, ऐसे नहीं किया। मुर्दे को जहां जिंदा करना हुआ उसका नाम नहीं लिखवा, अकुल बेच मिल लो अल्लाह के हुक्म से खड़ा होता। और नबी जब जिंदा कर रहे तो ये नहीं कह रहा कुल बेच मिल लो, ये नहीं कह रहा कुल बेच मिल लो, बल्कि नाम लेके बुला रहे हैं। नाम लेके जो बुलाया नबी ने तो वो खुद ही जिंदा होते हुआ। बात क्या है, बात ये है कि जिसको इसको नबी बुला रहे हैं वालम बरजख में, वालम गैब में है। तो हजरत ईसा ने जब बुलाया था तो कुल बेच मिल लो की बात इसलिए की गई थी कि हजरत ईसा आलम शहादत के रसूल थे, आलम गैब के रसूल नहीं थे, मगर मेरा महबूब आलम गैब का भी रसूल है और आलम शहादत का भी रसूल है। तो जिसको चाहे आवाज दे उसे आना पड़ेगा। इस नबी बुलाए तो तुम्हें आना पड़ेगा, आलम गैब वाले को भी आना है, आलम शहादत वाले को भी आना है। इनका ये है कि नबी आवाज दे तो पत्थर को भी आना है, दरख्त को भी आना है, सूरज को भी आना है, चांद को भी आना है, दरिया को भी आना है। जिसको हुक्म दे उसे नबी की बारगाह में आना ही पड़ेगा। दरख्त का ये उज्र नहीं सुना जाएगा, ये नबी हम तो चलना नहीं जानते। पत्थर का ये उज्र नहीं सुना जाएगा, ये नबी हम तो हिलना नहीं जानते। चांद का ये उज्र नहीं सुना जाएगा कि हम टुकड़े होना नहीं जानते। सूरज का ये उज्र नहीं सुना जाएगा कि हम पीछे पलटना नहीं जानते। जब नबी ने बुलाया है तो तुझे सब कुछ सीखना है। मैं सारी मखलूक का
उसका काम का भी और टाइम भी, यानी कोई सुबह ना कर सके कोई मखलूक निकल गई सुबह ही सब कुछ देने वाला, तो मैं भी कह दूंगा कि नबी सब कुछ
भी बांटने वाले, सीधी सी बात है, खुदा जो देता है उसको ही बांटते हैं। और इसी चीज को समझाने के लिए नबी करीम ने क्या ही बात कही, सबसे पहली मखलूक ले आ दो, अलखल्क कुल्लहुम मिन नूरी, सारी मखलूक मेरे नूर से, अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से, मैं अल्लाह के नूर से हूं, यानी मैं खुदा के नूर से फैज ले रहा हूं, सारी मखलूक मुझसे फैज ले, जिसको जो मिल रहा है वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैजान करम है, उनकी रहमत की छींक है। وقل لهم من رسول الله الملتمس غرقا من البحر ورسلا من الدام، تمام رسول تمام نبي الله کے رسول سے التماس کرتے ہیں، ملتقی ہے ملتمس ہے، یہ اللہ کے رسول اپنے ابرے کرم کا کچھ چھینٹا ہی دے دیجئے، اپنے جود و صحا کے دریا کا کچھ پھونک بھی دے دیجئے، ذرا صاحب خیال کرو، کل عین ادب رسول الکلام تیرا انما اتصلت من نوره به، یعنی رسولوں نے جو معجزات و کمالات دکھائے ہیں یہ سب کچھ نور مصطفیٰ کا فیض ہے۔ جو آپ خیال کرتے چلے جائیں تو نبی کریم وہ ہیں جو ایسا دینے والے ہیں، ایسا دینے والے ہیں کہ دیا حضرت سلیمان کو ایک نظیر بادشاہ بنا، نور مصطفیٰ کا فیض ایسا ہے کہ حضرت سلیمان کے یہ ان کی عطا کا نتیجہ۔ تو آپ خیال کرتے چلے جاؤ اور سوچتے چلے جاؤ کہ تمہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اللہ اکبر کیسے کیسے رسالت والے ہیں وہ حضرت سلیمان کے، بے شک ایک وقت کے بادشاہ، ایک وقت کے نبی، ایک وقت ایک ماحول کے نبی، ایک قوم کے نبی، مگر یہ آنے والا اول و آخر کا نبی، یہ آنے والا ساری مخلوق کا نبی، اس کا ڈنکا بجے گا تو بچتا بھی رہے، پہلے والوں نے بھی بجایا، آج والے بھی بجاتے رہیں گے، پرچار کرتے رہیں گے اور سرکار کا نام لیتے رہیں گے، جلس و جلوس کی رونق بڑھتی رہے گی، گنبد خضرا کے انوار بڑھتے رہیں گے، وہاں کی نعمتیں لٹتی رہیں گی۔ اور اپنی سعادت کی بات ہے دوستو، کوئی نہ فائدہ اٹھا سکے تو اس پہ دینے والے کا قصور نہیں ہے۔ انصاف سے بتاؤ، دریا کے کنارے رہ کر کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ دریا کا قصور کیا ہے؟ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کوئی بھوکا مر جائے تو اس پہ دسترخوان کا قصور کیا ہے؟ ہاتھ میں دوا کی شیشی لے کر کوئی بے علاج مر جائے تو ان میں ان دواؤں کا قصور کیا ہے؟ سوچو، سورج نکل رہا ہے پھر بھی تم اسے نور نہ دے سکو، چاند ہو پھر بھی چاندنی میں تم نہا نہ سکو، تو اس میں نہ چاند کا قصور ہے نہ اس میں سورج کا قصور ہے۔ ذرا سا غور کرو، گنبد خضرا کی تجلیاں، گنبد خضرا کے انوار برس رہے ہوں اور تمہیں کچھ نہ مل سکا، تم کچھ نہ لے سکو، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لینے والے تو بہت کچھ لے چکے، لیتے ہی رہیں گے، انوار بڑھتے ہی رہیں گے، سورج چمکتا ہی رہے گا، اور اس سورج کی شعائیں کبھی خواجہ دیلی کی شکل میں، کبھی غوث جیلانی کی شکل میں، کبھی مخدوم سمنانی کی شکل میں، کبھی محبوب الہی کی شکل میں، کبھی قطب عالم و شان عالم کی شکل میں دنیا کو منور و مجلا کرتی ہی رہیں گی۔ تو ہر وقت ان کا چرچا رہے گا، یہاں بھی ان کا چرچا، وہاں بھی ان کا چرچا۔ ذرا ابو سعید کو پھر غور کرو، جس نے سرکار نے فرمایا تھا انا محمد فی اللہ و احمد فی السماء و محمد فی اللہ و محمود فی السماء، میں جب عرش کا تارا تھا، جب میں عرش کی زینت تھا تو میں حد تھا، میں تنہا تھا، میں یکتا تھا، میں احد تھا، آسمان پر آیا تو احمد ہوا، زمین پر آیا تو محمد ہوا، اب جب جاؤں گا تو محمود بنوں گا، اب جب میں جاؤں گا میدان قیامت میں مجھے محمود کہا جائے گا۔ میں سوچنے لگا دوست، ایک بات ہے ذرا شبہ کی پیدا ہو سکتی، تھوڑا سا خلاف جو احد کا لفظ میں نے استعمال کر دیا، اور قل ہو اللہ احد، قرآن میں یہ کہ اللہ ہی احد ہے، اللہ ہی یکتا ہے، اللہ ہی بے نظیر ہے، اللہ ہی احدیت والا ہے، اور میں نے کہا رسول بھی احد ہے، تو اس میں دھوکہ نہ کھائیے گا، لفظوں کے اشتراک سے معنی کو ایک قسم، لفظوں کا اشتراک، کبھی کبھی ایسے الفاظ آپ بولتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں مگر معنی الگ الگ ہوتا ہے، مگر آج کل تو کچھ ایسا حال ہو گیا ہے کہ جس کو شرک و بدعت کی تاریخ بھی نہیں معلوم ہے، اس لفظ کو اتنا رٹے ہوئے ہے، اتنا رٹے ہوئے ہے، اور
और इस कदर इस्तेमाल कर रहा है, इस कदर इस्तेमाल कर रहा है कि समझ ही नहीं आता कि दुनिया में शिर्क और बिदअत की सिवा भी कुछ है कि नहीं है। इतना आसान इसको समझ लिया है, यहाँ तक कि जो शिर्क नहीं कह पाता वो भी कहने का शौक रखता है, चाहे वो शिर्क ही कह दे, बिदअत नहीं कह पाता तो बिदअत ही कह दे, मतलब कहने का शौक मालूम हो रहा है। नबी ने जो कहा था, नबी ने तो बड़ी
तो शुमार नहीं कर सकता। हजरत मीकाईल ने खुदा की कितनी तारीफ की वैसे शुमार नहीं कर सकता। हजरत असराफील और दूसरे मलाइके मुकर्रबीन ने कितनी तारीफ की वैसे शुमार नहीं कर सकता। ऐसे ही अंबिया और मुर्सलीन ने कितनी खुदा की तारीफ की मैं तो शुमार नहीं कर सकता। मगर मैं इसको कैसे बताऊं, किसी को अहमद नहीं कहा गया, किसी को अहमद नहीं कहा गया। अहमद का लफ्ज तो एक ऐसे के लिए मखसूस किया गया था जिसकी तारीफ इन सब की तारीफ से ज्यादा बेशुमार तारीफ करने वाला। और जब जमीन पर आए तो मोहम्मद, जो आखिरत में गए तो महमूद, जहां गए नाम अलग, अर्श पर रहे तो अहद, आसमान पर आए तो अहमद, जमीन पर आए तो मोहम्मद, आखिरत में पहुंचे तो महमूद, जहां गए नाम अलग। मैं यकीन दिलाता हूं हजरत ईसा जब यहां से जब भी ईसा आसमान पर है अब भी ईसा, जन्नत में रहेंगे वहां भी ईसा, आखरत में रहेंगे वहां भी ईसा। हजरत मूसा धरती पर रहे तो मूसा, कोहे दूर पर रहे तो मूसा, जन्नत में रहे तो मूसा, आलम अरवाह में रहे तो मूसा, ये कौन नहीं है? ऊपर रहे तो अहद, आसमान पर रहे तो अहमद, जमीन पर रहे तो मोहम्मद, आखरत में रहे तो महमूद, ये नाम क्यों बदला? अब सुनो, जो एक धरती का एक जगह जहां का रहेगा वही बना, वही नाम चलेगा। मगर ये यहाँ के भी नबी है, वहां के भी नबी है, आखरत के भी नबी है, दुनिया के भी नबी है, तो हर जगह नया नाम, हर जगह नया नाम है। यहाँ कभी अहमद है, तारीफ करने वालों में अहमद है, छत्ती पे रहने वालों में मोहम्मद है, और वहां महमूद है। और मोहम्मद और महमूद, मोहम्मद की तारीफ तो बहुत की जाती है, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद वो जिसकी बेशुमार तारीफ की जाए, मगर सुनो मोहम्मद की एक शान हमने ये भी देखी है कि कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ गाली भी देते हैं, कुछ लोग दुरूद पढ़ते हैं तो कुछ पत्थर भी बरसाते हैं, कुछ लोग सरकार की न्याजमंदी में गर्दन कटाते हैं तो कुछ लोग कांटे भी बिछाते हैं। तो मोहम्मद वो है जिसकी तारीफ भी हो तो और बुराई करने वाले भी हो। मोहम्मद वो है जिस पर दुरूद पढ़े जाए तो पत्थर भी बरसाए जाए, मोहम्मद वो है जिसके ऊपर जिसके कदमों पर गर्दन कटाई जाए तो कांटे भी बिछाए जाए, मोहम्मद वो है। मगर महमूद वो है जिसकी कोई बुराई कर ही ना सके, कोई बुराई ना कर सके, वहां कांटा बिछाने वाला कोई ना हो, वहां पत्थर बरसाने वाला कोई ना हो, तो महमूद कहां होंगे? मैदान कयामत में होंगे। और किसके महमूद होंगे? सारे अहले महशर के महमूद होंगे। कितने रिस्क की बात होगी, हम लोग तो तारीफ करने के आदी ही है, यहाँ भी तारीफ करते हैं, घर में भी तारीफ करते हैं, मैदान में भी तारीफ करते हैं, इंतहा यह है कि खुदा की इबादत में भी तारीफ करते हैं, हर जगह अपने प्यारे नबी की तारीफ करते हैं। तो तारीफ करने की तो हमारी आदत है, इंशाअल्लाह कब्र में भी तारीफ करेंगे, हज में भी तारीफ करेंगे। मगर वो बड़े मजे की बात है कि यहाँ के बुरा करने वाले जब वहां तारीफ करेंगे तो हम भी देखेंगे। आदम और सारे अंबिया मेरे
وهم مسال شفاعتهم يعني میں نبیوں کا امام میں نبیوں کا خطیب میں نبیوں کا صاحب شفاعت یہ سارے منظر دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ بھی تو دیکھیں گے کہ جب نبی جنت کی طرف نزول فرمائیں گے نورانی منبر نبی کا نورانی منبر سب کے اوپر ہوگا نبی کا نورانی منبر ہوا امت ہوا ہے پوری فوق الناس نبی اپنی امت کے ساتھ اتنی بلندی پر ہوں گے کہ امت ساری امتوں سے بلند نبی سارے نبیوں سے بلند ہوں گے مشرکین ہوں گے
हिसाब किताब की कोई जरूरत है? खुदा आलिम गैब व शहादत, वो किसकी अमल को नहीं जानता? क्या जरूरत है हिसाब किताब की? क्या जरूरत है? खुदा आलिम गैब व शहादत, वो अलीम व खबीर जिसे चाहे जन्नत में पहुंचा दे, जिसे चाहे जहन्नम में डाल दे। हाजिर मुतलब जन्नत में पहुंचा दिया तो उसका फजल हो गया, जहन्नम में डाल दिया तो उसका अज्र हो गया। कौन है इकरार करने वाला? है कोई इकरार करने वाला? जहन्नम में अगर किसी को डाल देगा तो क्या वहां सोना जाएगा? जहन्नम को जहन्नम में डाल के वो जाकर वहां स्ट्राइक करेगा, काले झंडे दिखाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, हिसाब नहीं किया जहन्नम में डाल दिया, इंकलाब जिंदाबाद, हिसाब नहीं किया जहन्नम में डाल दिया, सोना जाएगा। दम मारने की गुंजाइश नहीं होगी। है मैदान कोई दम मारे, गुंजाइश की जरूरत क्या है? दोस्तों जितना भी तुम बहुत करोगे इसके सिवा कोई नतीजा नहीं मिलेगा। सही मैदान की बाकी जरूरत है, पुलसराज की बाकी जरूरत है, खयामत के मरहलों की जरूरत नहीं। खुदा आलम गैब व शहादत, अली व खबीर जिसे चाहे जन्नत में डाल दे, जिसे चाहे जहन्नम में पहुंचा दे, किसी में दम मारने की गुंजाइश नहीं है। मगर नहीं, खुदा की मसल है, उसकी हिम्मत पर कुर्बान का ऐ महबूब, अगर कयामत न हुई तो ये तो हो जाएगा कि जन्नत ही जन्नत में पहुंच जाए, जहन्नम ही जहन्नम में पहुंच जाए, मगर तुम्हारे हाथ में लिबाए हंस कौन देखेगा, तुम्हारे सर पर शिफात की पगड़ी कौन देखेगा, तुम्हारे पर्चम के नीचे अंबिया के गुरुओं को कौन देखेगा, तुम्हें मीज़ान के पास सहारा देता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें पुरसरात के पास बाजू थामता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें जहन्नम से अपने गुनहगार उम्मतियों को निकालता हुआ कौन देखेगा। ए महबूब, कयामत हो जाएगी तो जन्नति अगर नहीं हुई तो इन मकामात को कौन देखेगा? तो इसलिए मैं कयामत नहीं कर रहा हूँ कि हिसाब किताब उसका बुनियादी मकसद है। बुनियादी मकसद तो मैं तुम्हारी महबूबियत को दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी महबूबियत को दिखाना चाहता हूँ। और वहां पर एक राहू की आवाज गूंजेगी, और अदीता या मोहम्मद, और अदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या तू राजी हो गया, क्या तू राजी हो गया? ये सारे इनामात देखने के बाद उसने कहा, ए मेरे रब, मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया। तो खुदा अपनी अपने महबूब की शान महबूबी को दिखाने वाला है। फकत इतना सबब है, इन आधे वक्त में तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सिर्फ मैंने एक झलक दिखाई है कि जिसका नाम मोहम्मद है उसकी अख्तियारात का आलम क्या है। जमीन से लो आसमान तक चले जाओ, अख्तियार ही अख्तियार बरस रहा है, अख्तियार ही अख्तियार मोहम्मद यानी वो हरफे नफुस्ती जिनके फितरत का मोहम्मद यानी वो अमजाए तौकीन आते रब्बानी कहां का दस्ते है मन दूर क्या बरते तजल्ली क्या ये सब जमाल मुस्तफा की परतो शानी वो नाजिक जिसके आगे मुहर बरन बुलबुले सितरा वो उम्मी जिसके आगे अपने कुल कितने तबिस्तानी। अगर खामोश रहूंगा तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। बारक हो दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब खड़े हो जाए पाता है रिसालत में सलातो सलाम का नजरान याती दस्ते शर्मा
Thank you.